गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साउंड आ रहा है? चलिए ध्यान से देखिएगा, चीजों को ध्यान से सुनते रहिएगा, अपने नोट्स ओपन रखे हैं, जहां पर डाउट रहे तुरंत पूछें। डेट कितना है? 5th ऑफ अक्टूबर 2023। ठीक है, अपने नोट्स ओपन रखिएगा और एक एक चीज को ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है, कि कैसे थी और क्या क्या चीजें थी, उन सारी बातों को लेकर चलते हैं। मैं अगर बेसिक अभी तक बात करता हूँ एनालॉग के फर्स्ट फेज की, जो आपके लगभग सभी एग्जाम का पार्ट भी रहता है। मैंने पहले भी कहा था कि इसमें आपका कौन कौन सा पार्ट था। सबसे पहला था आपका डीसी का, वो डायोड का डीसी मॉडल था। फिर उसके बाद क्या था आपका? एप्लीकेशन थे आइडियल डायोड के, जिसमें सबसे पहला आता आपका क्लिपर, या सबसे पहला अगर मैं कहूँ वेव शेपिंग सर्किट थे क्लिपर क्लैंपर, या फिर आपका वोल्टेज मल्टीप्लायर। उसी के ठीक बाद दूसरा एप्लीकेशन आता आपका कौन सा? रेक्टिफायर का। अब एक एक करके स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। मैंने सबसे पहले बात की कि जो आप लोगों का क्या था, डायोड के डीसी मॉडल की बात की थी, ठीक है। हमने कहा भी था कि डीसी मॉडल ऑफ डायोड, कि डायोड का डीसी मॉडल, ठीक है। इसमें मैंने सिंपल सी कुछ बातें आपको समझाई थी, लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझते रहें, ठीक है। कहीं पर जरूरी लगे तभी आप लिखें। मैंने सिंपल सी बात क्या समझाई थी कि डायोड की जब हम लोग बात करते हैं, तो मैंने सबसे पहले इसमें आपको डायोड को दिखाया था। हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ा हुआ है कि कुछ इस तरह से हमारा डायोड का सिंबल होता है। अरे था, हमने यहाँ क्या कहा था, ये नोड हमारी कौन सी होती है? एनोड। और ये कौन सा होता है आपका? कैथोड। ये जो एरो होता है किसको रिप्रेजेंट करता है? करंट की डायरेक्शन को, धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। ऐसे था आपका। अब हमने इसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको बताया भी था कि कैसे आपको पहचानना है कि डायोड फॉरवर्ड है या फिर रिवर्स, सही है। आइडियल डायोड की बात कर रहा हूं, मैंने यहां से क्या कहा कि अगर मैं डायोड को आइडियल लेकर चल रहा हूं, आदर्श रूप से लेकर चल रहा हूं, तो मुझे प्रॉपरली पता है कि फॉरवर्ड बायस होगा, तो ये कैसे रिप्लेस होगा आपका? शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होगा, ठीक है। और अगर वही डायोड मेरा रिवर्स बायस में है, ठीक है, फर्स्ट अभिनत में है, तो ये कैसा होता है आपका? ओपन सर्किट होता है। इस पूरे चैप्टर में आप लोगों को डिफरेंट टाइप के डायोड के न्यूमेरिकल क्वेश्चन देता है। मैंने आपसे तब भी कहा था कि आपको सिंपल क्या होना चाहिए, डायोड को पहचानना आना चाहिए कि वो फॉरवर्ड है या फिर रिवर्स, सही है। अब देखिए, फिर इतना पहचानने के बाद फॉरवर्ड है या रिवर्स है, फॉरवर्ड होगा तो सीधे क्या करना है? शॉर्ट सर्किट। रिवर्स होगा तो ओपन सर्किट। ये तो बात थी आइडियल की। अगर इसी बात को हम प्रैक्टिकली लेकर चलते हैं, कि सेम कहानी को अगर प्रैक्टिकल डायोड के लिए कहता है, तो मैंने आपसे कहा भी था कि प्रैक्टिकल बात अगर करेगा तो फिर दो बातें निकल कर आती हैं। सबसे पहला आता आपका कि अगर आपका सोर्स कैसा है, डीसी है, और दूसरी बात आ जाती है आपका सोर्स कैसा आपका? एसी है। डीसी सोर्स के केस में अगर डायोड, मैं यहां से कहूं, दो कंडीशन है कि या तो डायोड आपका रिवर्स बायस होगा और या तो डायोड आपका फॉरवर्ड बायस होगा। तो रिवर्स में तो फिक्स है कि ये कैसे हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, पर फॉरवर्ड में कैसे हो जाएगा आपका? ये रिप्लेस होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी से और आपके रेजिस्टेंस से। तो ये रिप्लेस करता है किससे? एक वोल्टेज से और आपके रेजिस्टेंस से, ठीक है। रेजिस्टेंस होता है वो डायोड का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वोल्टेज होता है वो कौन सा होता है? कट इन वोल्टेज होता है। इसकी डायरेक्शन मैंने आपसे कही भी थी कि डायरेक्शन आपको किसके हिसाब से लेकर चलनी है, डायोड के हिसाब से बैटरी लगानी। अगर इधर डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल था तो बैटरी का भी पॉजिटिव, इधर डायोड का नेगेटिव था तो बैटरी का भी नेगेटिव, ठीक है। ये तो था आप लोगों का डीसी के केस में। वहीं अगर सोर्स एसी है, तो फिर हमारा, अगर मैं डायोड की बात करता हूं कि ये इस तरह से डायोड है, कैसे रिप्लेस होता था आपका? एक पैरेलल कॉम्बिनेशन से, समांतर क्रम से, किस किस के? कैपेसिटर और रेजिस्टर के, कि पैरेलल में एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर आपके लगे हुए होते हैं। ये कैपेसिटर की अगर बात करता हूं कौन सा था? जंक्शन कैपेसिटेंस था। रेजिस्टेंस अगर देखता हूं तो कौन सा था? एसी रेजिस्टेंस या फिर डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो ये सारी बातें हमने देखी थी। अच्छा, यहाँ एक बात हमारी आई थी कि अगर वोल्टेज सोर्स हम लगा रहे थे तो कट इन वोल्टेज था। इसकी वैल्यूज को अगर मैं देखता हूँ, सिलिकॉन के लिए कितना था? 0.7 वोल्ट होता है। सब लोग बोलते रहे, जर्मेनियम के लिए
0.3 वोल्ट होता है। वहीं अगर मैं बात करता गैलियम आर्सेनाइड के लिए कितना होता है, 1.2 वोल्ट होता है। पोलैरिटी कैसे लगानी है वो मैंने आपसे कहा कि जिस डायरेक्शन में डायोड होगा उसी डायरेक्शन में आपको ये कनेक्ट करना है। 99% केस में आपका क्वेश्चन सिर्फ डीसी से ही रहता है। एसी से जो क्वेश्चन आता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन में आता है, इलेक्ट्रिकल जेई में क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्यों? क्योंकि यहाँ फ्रिक्वेंसी का फिर पंगा फंसता है। सही है? तो आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ इधर वाला फेज है आपका डीसी वाला, कि कैसे रिप्लेस करना है एक बैटरी से और एक रेजिस्टेंस। माना सर्किट में या क्वेश्चन में रेजिस्टेंस नहीं दिया तो कितना लेकर चलना है, जीरो लेकर चलना है। सही है? तो ये तो था हमारा सबसे पहले क्या है, डीसी मॉडल ऑफ डायोड। सही है? पीडीएफ भेज दूंगा मैं, ठीक है? आप लोग बस ध्यान से देखते रहें, जहां पर कुछ नया लगे उसे पूछ लें। अगली बात हमारी क्या आई थी, फिर वेव शेपिंग की बात आई थी कि वेव के शेप की बात हमने की थी। तो अगला जो टॉपिक था या अगला जो चैप्टर था वो था आपका वेव शेपिंग सर्किट। ठीक है? कि वेव शेपिंग सर्किट की अगर मैं बात करता हूँ, वेव शेपिंग सर्किट को अगर मैं देखता तो वेव शेपिंग सर्किट में हमने तीन टॉपिक कहे थे। ठीक है? ध्यान से देखना अब इस बात को कि वेव शेपिंग को अगर मैं लेकर चलता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास तीन टॉपिक थे। कौन कौन से थे भाई? सबसे पहला था आपका क्लिपर, नहीं था? फर्स्ट मैंने यहां से कहा कि सबसे पहला जो सर्किट आता है वो था आपका क्लिपर सर्किट। सही है कि सबसे पहला जो सर्किट होता है वो कौन सा होता है आपका, क्लिपर सर्किट होता है। क्लिपर सर्किट कहने का मतलब है, या क्लिपर को अगर हम देखते हैं तो क्लिपर का मतलब क्या होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो क्या करेगा आपका, क्लिप करेगा या रिमूव करेगा। यही है? तो ये सर्किट हमारा क्या करता है, ये सर्किट आपका क्लिप करता है किसको, अनडिजायर्ड पार्ट को। ठीक है? क्लिप अनडिजायर्ड पार्ट ऑफ सिग्नल। ठीक है? कि जो इनपुट सिग्नल है उसके अनडिजायर्ड अवांछित भाग को हटाने का काम करता है। पहला क्वेश्चन था। दूसरी बात पर अगर मैं आता हूं कि ये सर्किट किस किस से मिलकर बना होता है, कि यहाँ आपके कौन कौन लगे हुए होते हैं, रेजिस्टर लगा होता है और दूसरा डायोड लगा हुआ होता है। रेजिस्टर और डायोड की हेल्प से हम क्लिपर सर्किट को बना सकते हैं। कितने टाइप का होता है आपका, दो टाइप का आपका क्लिपर सर्किट होता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ क्लिपर सर्किट। कौन कौन से थे? सबसे पहला मैंने कहा था कि यहाँ से जो पहला सर्किट आता है वो था हमारा कौन सा, सीरीज क्लिपर, और दूसरा था आपका कौन सा, शंट क्लिपर। और यहीं से एक और बात को कहा था कि ये दोनों फर्दर डिवाइड होते हैं आपके, सीरीज को हमने क्या कहा था, फिर पॉजिटिव सीरीज क्लिपर। यही तो था कि सीरीज में अगर देखते हैं तो पॉजिटिव सीरीज, और दूसरा था आप लोगों का नेगेटिव सीरीज क्लिपर। अपने नोट्स देखते रहे, पलटते रहिएगा। ठीक है? फिर ऐसे ही शंट की मैंने बात की थी कि सबसे पहले मैंने कहा क्या था आपका, पॉजिटिव शंट क्लिपर। ये सबसे पहले जो था वो था आपका पॉजिटिव शंट। दूसरे की अगर मैं बात करता हूं तो ये था आपका नेगेटिव शंट क्लिपर। तो पॉजिटिव शंट क्लिपर था और दूसरा आपका नेगेटिव शंट क्लिपर। इतना सही है? अब यहीं से देखिएगा, इनके अगर मैं सर्किट की अब बात करता हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको इनके सर्किट को भी ध्यान जरूर रखना। तो पॉजिटिव सीरीज की जब मैंने बात की थी तो मैंने सिंपल क्या कहा था कि यहां से अगर मेरा कोई वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, कोई बैटरी लगी हुई है, यही तो था, ये अगर इस तरह से यहाँ से कोई सोर्स लगा हुआ है तो पॉजिटिव सीरीज था। तो मैंने क्या कहा था, डायोड की जो डायरेक्शन थी वो कुछ इस तरह से थी होगी। ध्यान से देख लेना क्या बना रहा हूं। पॉजिटिव सीरीज की अगर मैं बात करता था तो कुछ ऐसा डायरेक्शन था। ठीक? यहां क्या होता था हमारा, अरे इधर कैसे था आपका, यहां से कैसा था आपका, ये एक रेजिस्टेंस लगा लीजिए या फिर आप लोग रेफरेंस वोल्टेज लगा लीजिए, और इसी के रिस्पेक्टिवली फिर हम क्या देखते थे, आउटपुट को भी देखते थे। यही था। ऐसे ही नेगेटिव सीरीज की अगर बात करता हूँ तो डायोड की पोजीशन जस्ट उल्टी कर देनी है। तो मैंने यहां से क्या कहा कि नेगेटिव सीरीज को अगर देखता हूँ, ध्यान से देखते रहे बोर्ड पे, तो डायोड की डायरेक्शन कैसे आ जाएगी आपकी, सेम डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक? और यहां से मैंने सर्किट में क्या कहा था, ये अपना क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस। ठीक है?
सही है सर्किट पक्का। ये डायोड और रेजिस्टर की पोजीशन गलत देखना जरा कॉपी पलट के। सही है। किसके साथ? वो तो बैटरी हमारे पास चॉइस है कि आप रेफरेंस वोल्टेज देना चाहें या ना लें। अच्छा देखिए, संट क्लिपर की संट कहने का मतलब क्या था कि डायोड और वो आपके सोर्स कैसा लग जाएगा, पैरेलल में लग जाएगा। तो संट की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने क्या कहा था कि ये सोर्स है, ये रेजिस्टर लग गया। संट की अगर मैं बात करता हूं तो अब डायोड कैसा आएगा। मैंने तब भी समझाया था कि सीरीज का मतलब डायोड और सोर्स सीरीज में, संट का मतलब डायोड और सोर्स आपका संट में। तो पॉजिटिव है तो डायोड की डायरेक्शन कैसी होगी, अपवार्ड होगी, नहीं डाउनवार्ड होगी। यही तो था, ये ऐसे डायोड बन गया और यहां आप आगे लोड रेजिस्टर लेकर चल सकते हैं। नहीं था ऐसे ही। नेगेटिव संट क्लिपर की अगर मैं बात करता हूं तो सर्किट था आप लोगों का कुछ इस तरह से कि ये रेजिस्टर था आपका और डायोड की डायरेक्शन हो जाएगी आपकी अपवार्ड। ठीक है, ये पैरेलल में यहां से क्या लग जाएगा आपका, रेजिस्टर लग चुका था, ये हो गया हमारा लोड रेजिस्टर। अभी यही थे। यहां से अगर मैं सर्किट्स को फिर से देखूं, मैंने क्या कहा कि अपने पास क्लिपर जो होता है आपका वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक होता है सीरीज और एक होता है आपका शंट। सीरीज को फिर से दो पार्ट में तोड़ा, पॉजिटिव सीरीज जो ये सर्किट है, फिर ऐसे ही आया आपका नेगेटिव सीरीज जो ये सर्किट है, ऐसे ही पॉजिटिव शंट ये सर्किट आपका, और फिर था आपका नेगेटिव शंट ये वाला सर्किट। क्लियर है? है? छोड़ो, ऐसा ही था कुछ। ठीक है, तो ये तो थे आपके किसके, सीरीज या पैरेलल, किसके क्लिपर के टाइप। अब इसी तरह से अगर मैं आगे बढ़ता हूं, इसी बात को अगर मैं आगे बढ़ा, दूसरा सर्किट कौन सा था हमारा, क्लैंपर सर्किट था। कि अगला मैंने यहीं से कहा क्लैंपर सर्किट। ठीक, सबसे पहली बात क्लैंपर के लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स को देखते हैं कि क्लैंपर सर्किट कैसे होता था। तो क्लैंपर में मैंने बात की कि सबसे पहले ये क्या करता आपका, डीसी वैल्यू को चेंज करता है। ठीक है, चेंज डीसी वैल्यू, और इसी डीसी वैल्यू को चेंज करने के आधार पर या तो अपवर्ड शिफ्ट करता है या फिर आपका डाउनवर्ड शिफ्ट करता है, अप और डाउनवर्ड शिफ्ट करता है। सही है इतना, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। अगर हमारा यहां से मैंने कहा भी था कि जो डीसी वैल्यू है वो अगर आपका पॉजिटिव है तो शिफ्टिंग जो होगी आपकी वो कैसी होगी, अपवर्ड होगी। अगर आपका डीसी वैल्यू नेगेटिव है तो शिफ्टिंग कैसी होगी, डाउनवर्ड होगी, नीचे की तरफ को शिफ्टिंग होगी। सही है। अगली बात फिर यहीं से कि हमारा जो क्लैंपर सर्किट होता है ये कितने टाइप का होता है आपका, दो टाइप का क्लैंपर सर्किट होता है, तीन होते हैं, कौन है तीन वाला। ठीक है, क्लैंपर की अगर मैं बात करता हूं तो दो टाइप के हमारे क्लैंपर सर्किट होते हैं, कौन कौन से होते हैं आपके। एक क्लैंपर होता है आपका पॉजिटिव क्लैंपर। ठीक है, यहां से अगर मैं कहूं भी कि पहला होता आपका पॉजिटिव क्लैंपर और दूसरा होता आपका कौन सा, नेगेटिव क्लैंपर। दूसरा यहीं से अगर मैं देखूंगा तो नेगेटिव क्लैंपर। सिंपल सी बात कि एक हो गया पॉजिटिव क्लैंपर और दूसरा हो गया आपका नेगेटिव क्लैंपर। सबसे पहले देखते हैं इसका क्या सर्किट। तो पॉजिटिव क्लैंपर का जब सर्किट देखते थे, ये सोर्स था, पॉजिटिव मतलब डायोड की डायरेक्शन भी कैसी होगी आपकी, डायोड की डायरेक्शन भी कैसी होगी आपकी, अपवर्ड होगी। तो ये कैपेसिटर, अच्छा यहां लिखा नहीं, ये सर्किट बनता है किस किस से आपका, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैपेसिटर। ठीक है, रेजिस्टर, कैपेसिटर हो गया, यहाँ लगता आपका रेजिस्टर और ये आ गया आपका डायोड, सबसे इंपॉर्टेंट आपका कैपेसिटर यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैंने कैपेसिटर लगा लिया, फिर यहाँ क्या लगता था, रेजिस्टर और ये कोई भी रेफरेंस वोल्टेज। अरे ऐसे ही था, और ये इस तरह से हमारा क्या था, लोड रेजिस्टेंस था। ठीक है, डायोड रह गया हमारा, क्लैंपर कौन सा है पॉजिटिव, तो डायोड की डायरेक्शन
अप वर्ड आएगी, ऊपर की तरफ को आएगी। ऐसे ही नेगेटिव क्लैंपर की अगर मैं बात करता तो डायोड की डायरेक्शन कैसे आ जाएगी, डाउनवर्ड आ जाएगी। तो ये कुछ सर्किट इस तरह से हमने पढ़े थे, इस तरह से बनाए थे। ठीक है, बैटरी की पोलैरिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसके बेसिस पर आपका बस डीसी में जो वेरिएशन आना है वो आए। बाकी शिफ्ट ऊपर या नीचे किसके हिसाब से होता है आपका, डायोड के साथ। तो सही है। तो ये था हमारा कौन सा सर्किट, क्लैंपर सर्किट। नेक्स्ट सर्किट कौन सा था आपका, अगला था आप लोगों का वोल्टेज मल्टीप्लायर। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो ये था हमारा वोल्टेज मल्टीप्लायर। तो तीसरा पार्ट आता है वो आपका वोल्टेज मल्टीप्लायर। वोल्टेज मल्टीप्लायर की अगर मैं बात करता हूँ, वोल्टेज मल्टीप्लायर को अगर मैं देखता हूँ तो ये बेसिकली क्या करता है आपका, वोल्टेज को आउटपुट पर मल्टीप्लाई करके देता है। ठीक है, कहने का मतलब था आपका, मैंने लिखा भी था कि आउटपुट वोल्टेज जो आएगा एंड टाइम आएगा किसके, इनपुट वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू के। अरे नहीं था, जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा उसका कुछ ना कुछ आपका इंटीजर टाइम्स आपके आउटपुट पर मिलेगा, ऐसे ही था। दूसरी बात कही थी कि मल्टीप्लायर सर्किट को बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो कौन सा था आपका, कैपेसिटर एंड डायोड होता है। कि कैपेसिटर और डायोड क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें मैंने आपसे कहा भी था कि सबसे पहले जो डिफरेंट टाइप के मल्टीप्लायर थे, वोल्टेज डबलर, ऐसे ही वोल्टेज ट्रिपलर। ठीक है, ये सर्किट हमने पढ़े भी हैं, वोल्टेज डबलर, वोल्टेज ट्रिपलर और फिर आ जाता है वोल्टेज क्वाड्रपलर। यही है, वोल्टेज डबलर को अगर मैं देखता हूँ तो उस इस केस में जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो दो गुना, डबल मतलब दो गुना करेगा किसका, मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज का। ट्रिपलर देखोगे तो ये क्या करता है, तीन गुना करता है मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज का। क्वाड्रपलर देखोगे तो कितना करता है, चार गुना करता है मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज का। सही है, अगली बात को यहीं से अगर मैं जोड़ता हूं, यहीं से लेकर चलता हूं, डबलर के केस में जितने डायोड उतने ही कैपेसिटर, दो डायोड और दो कैपेसिटर, कि दो ही डायोड और दो ही कैपेसिटर। ऐसे ही ट्रिपलर के केस में तीन डायोड और तीन कैपेसिटर। ठीक है, तो तीन डायोड कॉमा कैपेसिटर। ऐसे क्वाड्रपलर को तीन से भी बना सकते हैं और चार से भी आप बना सकते हैं, कि चार डायोड एंड चार कैपेसिटर। यही थी कहानी। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था अभी तक आपका वेव शेपिंग का। यहां तक हमने क्या देखी थी, वेव शेपिंग देखी थी, क्लिपर क्लैंपर और आपका वोल्टेज मल्टीप्लायर। सही है, ये वो बेसिक क्वेश्चन है जो आप लोगों को जनरली पूछता है। बढ़े अगला और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका आइडियल डायोड का, या डायोड को बनाने का मेन एप्लीकेशन जो था आपका कौन सा, रेक्टिफायर। ठीक है, डायोड को बनाने का जो मेन उद्देश्य था वो था रेक्टिफिकेशन। अगला टॉपिक आप लोगों का रेक्टिफायर सर्किट, दिष्टकारी परिपथ जिसे हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका रेक्टिफायर सर्किट। सबसे पहले बात यहां से देखते हैं कि रेक्टिफायर क्या होता है। ठीक है, जनरल बातें मैं पहले रेक्टिफायर के बारे में देखता हूं। तो रेक्टिफायर जनरली क्या होता है भाई आपका, हम सिंपल अगर कहते हैं तो हमारे दिमाग में एक कमांड आती है कि एसी को डीसी में बदलता है, कि ये हमारा जनरली क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है। इस डीसी को जब हम देखते हैं तो प्योर नहीं होता है, बल्कि कैसा होता है, पल्सेटिंग डीसी होता है। ठीक है, इस डीसी को अगर हम लेकर भी चलते हैं कैसा होता है आपका, पल्सेटिंग डीसी होता है। तो सही है। दूसरी बात अगर इसी को लिखने के लिए मैं कहूं तो मैंने कहा भी था कि किसी भी टू डायरेक्शनल सिग्नल को, ठीक है, किसमें चेंज करता है आपका, ये सिंगल डायरेक्शनल सिग्नल में चेंज करता है। कि आपका सिंगल डायरेक्शनल सिग्नल में चेंज करता है, कि द्विदिशीय सिग्नल को एकल दिशीय सिग्नल में परिवर्तित करता है। अगली बात हमने कही थी कि यहां जब हम देखते हैं, ठीक है, तो रेक्टिफायर की जब हमने बात की थी, रेक्टिफायर को जब हमने देखा था, कितने टाइप के होते हैं रेक्टिफायर आपके, दो टाइप के रेक्टिफायर होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। दो टाइप में जब हम लेकर भी चले थे तो कौन कौन से थे आपके, सबसे पहला था आपका हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा था आपका फुल वेव रेक्टिफायर।
फुलवेव रेक्टिफायर को हमने फर्दर क्लासिफाई किया था, दो टाइप के थे, कौन कौन से? सेंटर टेप फुलवेव रेक्टिफायर और दूसरा था आपका कौन सा? ब्रिज टाइप फुलवेव रेक्टिफायर। यही था कि ब्रिज टाइप फुलवेव या ब्रिज फुलवेव रेक्टिफायर, ये इस तरह से क्या था आपका क्लासिफिकेशन। यहां मैंने देखा ये हाफ वेव रेक्टिफायर, फिर ये आपका फुल वेव, फिर ऐसे ही सेंटर टेप और ये आपका ब्रिज टाइप। सही है। अब इसी से आगे अगर मैं बढ़ता हूं, इसी से आगे अगर मैं चीजों को देखता हूं, तो मैंने सिंपल सी बातें फिर इससे आगे की थी, एक एक करके इनको लेकर हम लोग चले थे, नहीं था? सबसे पहले बात अगर यहां से मैंने कही कि फर्स्ट हमने हाफ वेव रेक्टिफायर को देखा कि हाफ वेव रेक्टिफायर कैसा होता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए पहला क्वेश्चन, कितने डायोड होते हैं भाई? एक डायोड लगता है, सही है इतना। दूसरी बात हमने कही थी कि जो एंगल, वो जो कंडक्शन होता है आपका, सिर्फ ओनली हाफ साइकिल के लिए होता है, कि सिर्फ हाफ साइकिल के लिए ये कैसा होता है आपका, कंडक्ट करता है या कंडक्शन होता है, बाकी की हाफ साइकिल के लिए ऑफ रहता है। अगर मैं आउटपुट की करंट, वो वोल्टेज की इक्वेशन को भी लिखूं तो कैसा था आपका? यहां से हमने कहा भी था कि वी एम इंटू साइन एल्फा था, कब? जब एंगल कैसा था आपका? जीरो से लेकर पाई तक था, जबकि जीरो एम्पलीट्यूड आता आपका, जब आपका एंगल कैसा होता है? पाई से लेकर आपका टू पाई के बीच में होता है। तो सही है, ठीक। ऐसे ही अगर मैं तीसरी बात यहां से कहूं कि मैं इसके लिए अगर सर्किट को देखता हूं, तो मैंने यहां से क्या कहा था कि ये ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग थी, इसी तरह से ये ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। ये इस तरह से था आपका, यहां भी आपका हमने कहा भी था कि एसी इनपुट होगा, ठीक है, और यहां पर भी कैसा होता आपका? एसी। इसके बाद लगाया जाता है किसको आपका? डायोड को, इसके बाद कनेक्ट करते हैं। तो यहां से आगे जैसे ही हम डायोड को कनेक्ट करेंगे, ये इस तरह से, ठीक है, इसको अगर मैं लेकर चलता हूं, मैंने सिंपल क्या कहा, ये डायोड को कनेक्ट किया, अकेला डायोड लगाया जाता है इस तरह से, ठीक। फिर इस डायोड के साथ यहां से हमने क्या लगाया? लोड रेजिस्टेंस को लगा दिया, तो ये हमारा क्या बन जाता है? रेक्टिफायर सर्किट बन जाता है। ये आ गया आपका आउटपुट वोल्टेज वी आउट। तो ये कौन सा रेक्टिफायर था आपका? हाफ वेव रेक्टिफायर, सही है। अगले रेक्टिफायर को देखता हूं तो नेक्स्ट कौन सा आता आपका? फुल वेव में सबसे पहला नाम मैंने कहा यहां से, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर, सही है। अगला नाम आप लोगों का सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में जो हमारे सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन है उनको देखते हैं। जैसे मैंने यहां से कहा कि नंबर ऑफ डायोड कितने होते हैं आपके? दो डायोड होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि इस सर्किट के लिए ट्रांसफॉर्मर कैसा एलिमेंट होता है आपका? नेसेसरी या आवश्यक होता है, या आप कह सकते हैं कि बिना ट्रांसफॉर्मर के आप इस सर्किट को नहीं बना सकते हैं। कंडक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो फुल इनपुट साइकिल के लिए, ठीक है, फुल इनपुट साइकिल पर कैसा होता है आपका? कंडक्शन होता है, ठीक। दूसरी बात अगर मैं कहूं कि अगर मुझे पूछे कि एक हाफ साइकिल में, तो एक हाफ साइकिल के लिए सिर्फ क्या होता है आपका? एक ही डायोड ऑन होता है, कि वन डायोड ऑन, ठीक है, कि एक हाफ साइकिल के लिए सिर्फ एक ही डायोड कैसा होता है आपका? ऑन होता है। अगली बात यहीं से अगर मैं देखता हूं कि वोल्टेज की इक्वेशन को लेकर चलते हैं, तो वी नॉट एल्फा इज इक्वल टू, यहां आता है वी एम साइन एल्फा, ठीक है, फिर आता है माइनस वी एम साइन एल्फा, ठीक है। ये कंडीशन थी कब आपकी? जब जीरो से लेकर कहां तक था? पाई तक था। ये कंडीशन थी कहां पे आपकी? जब आपका एंगल पाई से लेकर टू पाई तक था, यही तो था। अब इसके अगर मैं सर्किट की बात करता हूं, तो हमने सिंपल सा इसका सर्किट देखा भी था, ये आपका ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, फिर आपका सेकेंडरी वाइंडिंग, दो डायोड अपने को लगाने थे, तो ये एक लग गया, ठीक है, और यहीं से आपका ये दूसरा डायोड लग गया, ये दोनों लाइन को हमने यहां कनेक्ट कर दिया। ये सेंटर से हमें क्या करना था? ग्राउंड करना था। फिर यहां से मैंने क्या कहा था कि ये हमने क्या ले लिया था? लोड रेजिस्टेंस आर एल ले लिया था, ठीक है, तो ये भी हमारा एसी इनपुट था, सही है। ऐसे तो ये जो सर्किट था आपका, वो था आपका किसका? सेंटर टेप फुल वेव
रेक्टिफायर का, ठीक है, कि ये हमारा यहां से सर्किट। अगला जो आपका रेक्टिफायर था वो कौन सा था आपका? ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये देखिएगा, यहां से अगर मैं लास्ट अब बात करता हूं तो नेक्स्ट कौन सा था भाई आपका? ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला रेक्टिफायर, ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर को आप देखते हैं इसमें किस तरह से चीजें होती हैं। सबसे पहले बात थी आपकी कि जब हम इसको लेकर चले थे कि नंबर ऑफ डायोड कितने होते हैं आपके? चार डायोड होते हैं, ठीक है, कि नंबर ऑफ डायोड की बात करेंगे तो चार होते हैं। अगली बात थी आपकी कि ट्रांसफॉर्मर नेसेसरी नहीं था। दूसरी बात आई आपकी कि फुल इनपुट साइकिल के लिए यहां पर भी कंडक्शन था, ठीक है। तो मैंने कहा भी कि फुल इनपुट साइकिल के लिए कंडक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। अगली बात आई आपकी कि एक हाफ साइकिल के लिए कितने डायोड ऑन होते हैं? दो डायोड ऑन होते हैं। तो एक हाफ साइकिल के लिए अगर मैं बात कहूँ भी तो अपने दो डायोड कैसे होते हैं? ऑन स्टेट में या फॉरवर्ड बायस होते हैं। अगली बात आई थी आपकी कौन सी? आउटपुट इक्वेशन हमारी सेम आती है जैसे नीचे है। यहां मैं इसका सर्किट बना देता हूं। मैंने सिंपल कहा कि ये हमारा ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी लग गई, ये हमारी सेकेंडरी लग गई, ठीक है। ये इस तरह से हमारा कनेक्ट हो गया। यहां हमें क्या कनेक्ट करने थे? ये हमें चार डायोड को यहां पर लगाना है, ठीक है। तो ये डायोड अपवर्ड, इसके पैरेलल वाला भी अपवर्ड ही होगा, यही तो समझाया था, ठीक। इसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा लग जाएगा डाउनवर्ड, तो पैरेलल वाला भी डाउनवर्ड, सही है। बीच में हमने क्या कहा था कि यहाँ क्या लगा लेते हैं? लोड को कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, कि ये लग गया आपका लोड रेजिस्टर आ रहे हैं। उस हिसाब से कुछ ऐसा सर्किट हमारा ब्रिज टाइप रेक्टिफायर का बनकर आया। अरे नहीं था, ये हमारा था एसी इनपुट, सही है। एनालिसिस आपको बताया हुआ था कि एनालिसिस करते टाइम आपके पैरेलल वाले दो डायोड ऑन होंगे, एक साइकिल में ये दोनों और एक साइकिल में ये दोनों। तो ये था आपका रेक्टिफायर, है जी। क्या आएगा? इक्वेशन पूछेगा सीधे कि इक्वेशन क्या होती है। सीधे इक्वेशन पूछेगा हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए कैसा होता है, फुल वेव के लिए क्या होता है। जैसे हाफ के केस में दूसरे हाफ साइकिल में कैसा आता है? जीरो आता है। यहाँ दोनों हाफ साइकिल में क्या होता है आपका? आउटपुट, वो इनपुट सिग्नल आपका प्रेजेंट रहता है। क्लियर है? तो ये आप लोगों का ऐसा पार्ट है शुरुआत का जो लगभग क्या आपके सारे एग्जामिनेशन में कॉमन रहता है, क्लिपर, क्लैंपर और रेक्टिफायर। इसी के बाद आपके अब रेक्टिफायर के क्या आते हैं? डिफरेंट फॉर्मूलाज और डिफरेंट वैल्यूज आती है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी भी जाती है, ठीक है। उसे देखते हैं अब।